जैसा कि रात को सुनने में मिल रहा है कि हमारे आर्मी के नौजवानों ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 3 आर्मी नौजवानों को मारा है वहाँ के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसों 4 हमारे आर्मी के नौजवान जिसमें शहीद हो गए थे, 3 इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने शहीद किए। ये सिलसिला काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ना हमारे आर्मी के नौजवान मरे ना उनके आर्मी के नौजवान मरे। तो अल्टीमेटली लास्ट में यही है कि हमें शांति चाहिए। हम अपनी सरकार से भी अपील करना चाहते हैं और पाकिस्तान से भी यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान, जैसा कि हम डोगरी में हिंदी में एक कहावत यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान जो कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है, लेकिन अल्टीमेटली है तो नुकसान हमें ही है और बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनको भी नुकसान है। जैसे ये बॉर्डर पे फायरिंग शुरू होती है, जहाँ तो लड़ाई करो, देखो लगातार 10-15-20 साल से डिस्टर्बेंस चलती आ रही है, जहाँ तो एक तरीके से सीधी फाइट करो। फाइट हमने करनी नहीं है। आए दिन हमारे आर्मी के नौजवान मरते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक वो करते हैं, कभी हम करते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों को डिस्टर्बेंस है जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, और हमारी इकॉनमी को भी नेचुरली आप देखते हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा बजट है वो आर्मी पे खर्च हो रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए खर्च हो रहा है। लेकिन ऐसी लड़ाई जो 2 भाइयों की लड़ाई है, जो 47 के बंटवारे के बाद लड़ाई शुरू हुई, तो हम ये कहते हैं कि इसका जिस तरह से समय समय पर प्रधानमंत्री आए, हमारी सरकारें आई, उन्होंने कोशिश की कि जो शांति है वो आपस में, हमारी बड़े हमारा बिजनेस आपस में चल रहा है, जब हमारा बिजनेस आपस में पाकिस्तान हिंदुस्तान का बिजनेस चल रहा है तो फिर लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह 47 से पहले 2 भाई मिलकर रहते थे, इस तरह का कोई तरीकाकार निकाला जाए जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान की एकता बने और आए दिन जो हमारे आर्मी के लोग शहीद हो रहे हैं वो बिना वजह शहीद ना हो, ना उनके शहीद हो ना हमारे शहीद हो, और ख़ासकर जो बॉर्डर के लोग हैं जो वहाँ पर फायरिंग शुरू होती है, उनका माल मवेशी उनके मरते हैं और वो घरों से बेघर हो जाते हैं। और अभी तक सरकार ने जो 5 मरले प्लाट की अलॉटमेंट जो घोषित की थी, अभी लोगों को जितने भी बॉर्डर पे लोग हैं उनको 5 मरले के प्लाट जो है वो हकीकी तौर पे उनको मिले नहीं। तो अल्टीमेटली यही है कि हम चाहते हैं कि शांति हो, सर्जिकल स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं, कभी वो करे कभी हम करें, बिना वजह हमारे आर्मी के नौजवान नहीं मरने चाहिए। माना जा रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ऐसा है, हमारी भारतीय सेना जो है वो हर फील्ड में सक्षम है, और दुश्मन को दुश्मन के घर मारना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक मामूली सी बात है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जब हमारे 14 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। और एक हमारी और भी एक विचारधारा है कि हम कभी भी पीछे से वार नहीं करते, हम हमेशा जब भी दुश्मन को मारते हैं सामने से मारते हैं। और ये चंद टेररिस्ट और ये पाकिस्तान के सैनिक जो हैं ये हमेशा पीछे से वार करके हमारी सैनिकों को मारते हैं, लेकिन सामने इनकी हिम्मत नहीं है कि उनको हाथ भी लगा जाए। और भारतीय सेना ने ये पार्ट 2 सर्जिकल स्ट्राइक जो की है, ये उसको द्वारा उनकी औकात दिखा दी है कि आप किसी भी लिहाज से हमसे आगे नहीं निकल सकते। और भारतीय सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया है और अच्छा खासा उनका नुकसान किया है। 3 बंदे तो आज इन्होंने शहीद किए हैं, 2 बंदे इनके पहले इनके मार डाले उन्होंने, कि ऐसी बुरी हालत करी है पाकिस्तान की कि मुंह छुपाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। सर पहले भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें काफ़ी सारे उनके नौजवान मारे गए थे, फौजी मारे गए थे, भारतीय सेना ने एक बड़ी अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद कोई फर्क दिखा नहीं। क्या लगता है इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ फर्क दिखेगा सीमा पर? बिल्कुल दिखेगा। सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने पहले ही अपनी सेना के हाथ खोले हुए हैं कि हमारी जो सेना है वो किसी से कम ना हो, और उनके हाथ खोल के रखे हुए हैं कि कोई अगर हमारा 1 मारता है तुम 10 मार के उसका पीछे हटना है। वही उन्होंने अब ऑर्डर, ये नहीं है कि हमें पहले जाके होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हम उनको मारें चाहे ना मारें, हम गोली चलाएं या नहीं चलाएं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा ऑर्डर दिया हो आर्मी को कि आप अपने बचाओ, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने लोगों की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं है। और हमें अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी अपने देश का नाम नीचे नहीं होने देगी। हमारी भारतीय सेना ने हमेशा इस देश का नाम जो है रोशन किया है, 1971 में ले लो, चाहे 1965 में ले लो, चाहे कारगिल युद्ध में ले लो, हर बार भारतीय सेना ने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी सेना ऐसी देती रहेगी। और मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त दीजिए, ये पाकिस्तान जो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, ये हरकतें करना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि ये नक्शे से ही मिट जाएगा।
सर आज फिर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पिछले कुछ दिन हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, तो उसी को लेकर आज सर्जिकल स्ट्राइक फिर किया गया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बार बार पाकिस्तान भारत की सुरक्षा पर हमला करता है, लोगों पर हमला करता है, मासूम जिंदगियों को मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है, तो अगर सेना की तरफ से इस प्रकार की कोई पहल की गई है तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना समय की ज़रूरत थी, तो मैं समझता हूँ, मैं आर्मी पूरी आर्मी को उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कमान संभाली है, तो तब से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी जो एंटी नेशनल एलिमेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से सख्ती से मिलिटेंटों के साथ शुरू कर दिया है, वो सख्ती से इनके साथ निपट रही है, तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी इस पूरे एपिसोड्स के लिए मुबारकबाद। पहले सबसे पहले जय हिंद, मैं सूबेदार मेजर रतन वर्मा। ये जो हमारे इन्होंने एक मेजर और 3 जवान शहीद किए थे, वो में बड़ा दुख लगा था उस समय, उसी से आज खुशी की बात है कि इन्होंने जो है हमारे वालों ने संडे 1800 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 300 मीटर अंदर जाके अपनी जो बदला था वो ले लिया। उनके उन्होंने 5 जवान जो है 29 बलोच के शहीद मार दिए हैं। ये मैं अपनी हिंदुस्तान की फ़ौज को बधाई देता हूँ कि जो जो है बदला इन्होंने हमारी फ़ौज ने ले लिया है। यह है कि आने वाले टाइम में भी हमारी फ़ौज का मनोबल ऐसे ही ऊंचा रहेगा और वो अपना बदला इसी प्रकार पाकिस्तान से लेते रहेंगे। खबर मिल रही है कि भारतीय सेना ने भी कुछ समय पहले सुबह आज सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो क्या कहेंगे उसको लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर? देखो जी, पहले तो मैं सरकार को इसका श्रेय देता हूँ कि उन्होंने ये काम किया, मगर मैं ये भी जरूर साथ सरकार को कहूँगा कि ऐसा ही क्यों कि जब वो हमारे जवानों पे हमला करे और उसके बाद सरकार की नींद खुलती है, ऐसा नहीं। पीछे भी ऐसा हुआ कि कुछ जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद सरकार ने जदोजहद की और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया और कुछ वहाँ पे उनके हिस्से में जाके उनके जवानों को मारा गया। तो मैं तो सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा आप कब तक इंतज़ार करते रहोगे कि जब तक वो हमारे जवानों को मारेंगे और उसके बाद हम उसके जवाबदारी देंगे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता सरकार कड़े शब्दों कड़े कुछ कड़े शब्द अपनाए कि वो कड़े ऐसी रणनीतियाँ बनाएं जिससे कि वो उनका साहस ना बन पाए कि वो हमारे जवानों को इस तरह की गोलियां तो बड़ी दूर की बात है।